रहा रोल्स रॉयस गोस्ट मेरे भाई लोग, रोल्स रॉयस गोस्ट रहा। आज हम इसका खोलेंगे पावर स्टीयरिंग बॉक्स। ओके हेलो दोस्त, नमस्कार, मेरा नाम विशाल शर्मा, स्वागत है आपको विशाल कार मैकेनिक में। मैं हूँ गोरखपुर इंडिया से। आज आपको दिखाऊंगा रोल्स रॉयस का गोस्ट का पावर स्टीयरिंग कैसे खोलते हैं। उसका ऑयल लीक था मेरे भाई, जो जितना स्टीयरिंग लेफ्ट राइट काटने पर ज़्यादा लीक कर रहा है, ठीक है, तो उसको सही करना है। ठीक है, उसी के लिए वो पावर स्टीयरिंग बॉक्स खुल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टीयरिंग का टेप मारेंगे। जैसे हर वीडियो बनाता हूँ, जब पावर स्टीयरिंग बॉक्स या इलेक्ट्रिकल बॉक्स खोलें तो टेप लाजी लगाएं। तो हम पहला हाल बताऊँ, इस पर टेप लगाने चल रहा हूँ, लगाए उसके बाद दिखा रहा हूँ। फिर से पावर स्टीयरिंग इसका बॉक्स दिखाऊंगा खोल कर। फिलहाल दिखा दो, टेप लगा दिया हूँ। ऐसे टेप लगा के इसका हर वीडियो में बताता हूँ कि क्यों टेप लगाता हूँ, ठीक है। बट अब टेप लगा दिया मैं, अब गाड़ी उठा के इसका स्टीयरिंग बॉक्स खोल रहा हूँ मैं। मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या खोलना पड़ता है स्टीयरिंग बॉक्स का। एक मजे की चीज दिखाऊँ, ये देखो क्लच, जो ये सीवी ज्वाइंट है ना पावर स्टीयरिंग का, जो सीवी ज्वाइंट है रॉकर का। तो स्टीयरिंग का खोलने के लिए मैं पहले से 10 नंबर ई बॉक्स खोल दिया हूँ, ये बोल्ट रहा हूँ खोल दिया हूँ। उसके बाद मैं टिप लगाया, पहले खोल दिया हूँ, उसके निकाला नहीं हूँ, पहले खोल कर बोल्ट निकाल दिया हूँ, उसके बाद टिप लगाया हूँ। अब इसको मैं निकालूँगा, ठीक है। इसको निकाल कर पूरा सही से यहाँ से पेचकस लगाए के निकाल कर, उसके बाद इसमें दो आयल का पाइप होता है जो 13 नंबर बोल्ट लगा रहता है, देख रहे हो ना 13 नंबर बोल्ट, यही आयल का पाइप है, दो लगा रहा है इसके आयल का पाइप। इसको खोलने के लिए ये भी खोला मिलेगा, ठीक है, स्टेबलाइजर, इसका ऑयल वाला स्टेबलाइजर है, तो ये भी खोलूँगा। स्टीयरिंग एकदम आसानी से नियम नीचे उतर जाएगा मेरे भाई, ठीक है। लीक देखो, लीक करने का यहाँ से हो रही है लीक, देख रहे हो ना डाउन से आयल पड़ा है, इस साइड भी देखो आयल लीक कर रही है। तो फिलहाल बता दूँ, स्टीयरिंग का ये सब पाइप छुड़ा दिए, देख रहे हो ना आयल निकल रहा है दोनों पाइप। 13 नंबर बोल्ट खोल दिया, जो 13 नंबर दिखाया था उसको खोल दिया। अब फिलहाल एक दो, ये जो स्टेबलाइजर था ना मेरे भाई, बोला ना खोलना पड़ेगा, वो खोल दिया मैं, खोल कर साइड रख दिया हूँ, जो आयल वाला स्टेबलाइजर है साइड कर दिया। बस एक बोल्ट और दो बोल्ट, ये बोल्ट बचा है दो, ई 40 एस 40, इसको खोलूँगा, उसके बाद बाहर निकालूंगा। निकालने से देखो केयरफुल निकालना है, कैसे इसका सेंसर होता है, इसका सेंसर ब्रोकन नहीं होना चाहिए, वो ठीक है, कैसे इसमें बस आयल लीक है, आयल लीक होने के कारण ये खुल रही है, और कोई मसला नहीं है। अरे ऐसा ना सेंसर इसका ब्रोकन हो जाए तो उसके बाद मसला ही हो जाए गाड़ी में स्टीयरिंग में। ओके इसको निकाल पूरा दिखा रहा हूँ सही से, देखो मैं भाई आराम से निकाल दिया हूँ पावर स्टीयरिंग बॉक्स इसका, जो आयल वाला है, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये रिपेयर होकर आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे, उसके बाद आयल इसका बंद हो जाएगा लीक, ठीक है मेरे भाई। नहीं रो ना, ये पर्सनल आयल लीक होने के कारण ये खुला है, ये ऑयल लीक हो रहा है इसके अंदर से, यहाँ से दोनों तरफ से हो रही है लीक यहाँ से। ओके ऐसे गाड़ियों की वीडियो देखने के लिए मेरे भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लगे तब, ना अच्छा लगे तो ना करो, कोई बात नहीं। ओके मेरे भाई, बाकी रोल्स रॉयस, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, रेंज रोवर, मर्सिडीज, जितनी जर्मनी, इटालियन, ब्रिटिश कार है उनका मैकेनिक वीडियो देखना है तो लाजमी सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके दिखा दो, स्टीयरिंग देखो रिपेयर होकर आ गया है, चिक्कन दिखाई दे रही है, पहले तो आपको दिखा था मालूम था कैसे था, तो रिपेयर बढ़िया से हो गई है, अब ऑयल लीक नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको मैं लगा रहा हूँ फिक्स करके, 13 नंबर बोल्ट लगा फिक्स लगा के इस टाइप का, उसके बाद दिखाऊंगा स्टीयरिंग ऑयल कहीं नहीं लीक करेगा, ठीक है, ऑयल कहीं लीक नहीं करेगा। बकायदे मियाँ हो गया है, अब इसको बोल्ट लगा के पूरा मियाँ गाड़ी सेट कर देनी है पावर स्टीयरिंग का, इसका रेडिएटर और रेडिएटर पूरा पानी लीकेज होगा सब बंद कर देना है, जहाँ से पानी लीकेज कर रही है। फाइनली बात देखो, स्टीयरिंग लगा दिया हूँ, स्टीयरिंग लगा के पहले चेक कर लेंगे चारों तरफ नचाकर, ठीक है, चारों तरफ गया और लेफ्ट राइट फुल नचाकर चेक कर लेनी है। आयल वाला इसका पावर स्टीयरिंग आयल वाला है, तो आयल डाल के पहले इसको पूरा बढ़िया से ये कर लेंगे। इसमें स्टेबलाइजर है, बिना स्टेबलाइजर का देखो, स्टेबलाइजर का एयर भी निकाला जाता है, ठीक है, इसका एयर नहीं निकालेंगे तो गाड़ी कूदेगी, झटका मारेगी, अप डाउन झटका मारेगी, मालूम है। तो गाड़ी एकदम मियाँ हो गई है, ठीक है, ये रोल साइज। मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और मेरे चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं इसमें दिखा रहा हूँ
ऑयल कहाँ डाला जाता है, ठीक है, पावर स्टीयरिंग का ऑयल कहाँ पे डाला जाता है, तो स्टीयरिंग लेफ्ट राइट करने पर